हे व्यूअर्स, स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज भी हमारे साथ है मिस्टर दिनेश रावत। तो आप लोग सब जानते ही होंगे दिनेश रावत जी को, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ पिछले 2-3 एपिसोड में आप लोगों से बहुत कुछ शेयर किया है। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने बताया था गोल सेटिंग के बारे में, तो हम ये पूछेंगे उनसे कि गोल सेटिंग करने के बाद आगे क्या करना है, आगे का जर्नी कैसे चाहिए, मतलब कैसे करें। गोल सेटिंग के बाद जो आगे की जर्नी है वो तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वो जर्नी तो चलती रहेगी, वो जर्नी मेरी आज तक चल रही है। लेकिन गोल सेटिंग के समय बहुत इम्पोर्टेंट कुछ एक चीज़ें जानना है। तो जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड, तो एक सेइंग है, व्हाट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन डू इट, यानी कि जो आपके दिमाग में बैठता है वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो दिमाग से या माइंड से आप जो मांगेंगे माइंड आपको वही देगा। तो अपने को बड़ा सोच करके, एक रियलिस्टिक सोच करके, अनरियलिस्टिक नहीं सोचे, बड़ा सोच करके एक गोल बनाए। लेकिन गोल बनाने के पहले आपको बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। पहला, आपको क्यों अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक गोल बनाया कि आप अपने शहर के सबसे बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, या आपने गोल बनाया कि मैं अपनी कंपनी में डायरेक्टर बन जाना चाहता हूँ, या आपने गोल बनाया कि मैं अपना टर्नओवर डबल करना चाहता हूँ, या आपने गोल बनाया कि मैं अपनी क्वालिटी बहुत सारी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो ये सब गोल बनाने के पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारे दिल में एक बर्निंग डिज़ायर हो और हम वो क्यों उसको पाना चाहते हैं, उसका कारण होना चाहिए। नहीं तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। हम जस्ट एक गोल बना लें कि गोल बना लो अचीव हो जाएगा, नहीं होगा। गोल बना लो अचीव नहीं होगा। गोल बना करके उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन काम करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि काम करने की रास्ते, राहें मिलती चली जाएंगी। हमको एक डिवाइन इंटेलिजेंस है, डिवाइन सोर्स ऑफ गाइडेंस है, वो हमको समय समय पर ठीक गाइड करता जाएगा, हमको रास्ता दिखाता चला जाएगा। जिस तरीके से मैं 4-5 साल पहले यहाँ से माउंट आबू गया गाड़ी में, तो मेरे को क्या यहाँ से माउंट आबू का रास्ता मालूम था? नहीं मालूम था। और जो गाड़ी 50 फीट से ज़्यादा उसकी हेडलाइट नहीं देखती है, वो गाड़ी अंधेरे में 50 फीट देखते 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 2000 किलोमीटर चली गई। रास्ता पूछते पूछते हम 2000 किलोमीटर चले गए। अगर जाने के पहले ही सोचते कि वहाँ का रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, रात को क्या होगा, कहाँ रुकेंगे, खराब हो, इतना सब अगर सोचते तो पहले ही हम टेररिज हो जाते, पहले ही हम डर जाते, भयभीत हो जाते, हमारा पाँव ठंडा हो जाता, पैर भारी हो जाता और पैर आगे ही नहीं बढ़ता। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको पैर आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा पहाड़ है, तो उसको कदम कदम चल करके हम उसको पूरा चढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हमको अपना माइंडसेट बनाना है। तो जो मैंने कहा कि देयर शुड बी अ बर्निंग डिज़ायर, दिल में एक आग होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये पाना है। और आग के संग संग ये जो मैं नेपोलियन हिल की बात कर रहा हूँ, उसने 3 चीज़ बताई है कि देयर शुड बी अ डिज़ायर, एक्सपेक्टेंसी एंड बिलीफ। यानी कि एक डिज़ायर होना चाहिए, कि बर्निंग डिज़ायर। डिज़ायर मैंने कैसा डिज़ायर, आई वॉन्ट, आई लाइक टू डू, आई विल बी हैप्पी टू गेट इट, नहीं, दैट इज़ नॉट ए डिज़ायर। वो डिज़ायर नहीं है। डिज़ायर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। जिस तरीके से मान लीजिए
आपके पीछे कोई बंदूक लेकर के आ रहा है, आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो उस समय जो एनर्जी लगा करके भागते हैं उस तरह की एनर्जी लगाना वैसी डिज़ायर होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर की जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, रात जागना हो, दिन जागना हो, 10 माइल चलना हो, 2 माइल चलना हो, कुछ भी करना हो हम करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी एक डिज़ायर होनी चाहिए। एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपकी डिज़ायर तभी होगी जब वहाँ आप की एक्सपेक्टेंसी कि मैं वहाँ पे जाने के बाद क्या पोजीशन होगी, वहाँ मैं ये क्यों पाना चाहता हूँ, इससे क्या मेरे को मिलेगा, क्या दूसरों को मिलेगा, इसका क्या यूज़ है, क्या वर्थवाइल है। अगर किसी के लिए कोई चीज़ वर्थवाइल नहीं है, मान लीजिए आज मेरे को कोई 5 करोड़ रुपया देता है, वो मैं मेरे लिए वर्थवाइल नहीं है, मैं क्या करूँगा उस रुपये का। तो इसी तरीके से एक एक्सपेक्टेंसी आपकी होनी चाहिए, अगर एक्सपेक्टेंसी नहीं है तो आप गोल सेटिंग करके भी आप उसको नहीं पा सकते हैं। और तीसरा बिलीफ, मन में विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, हमको रास्ता मिलता जाएगा। जैसा मैंने बताया, मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ, मेरा इतना बड़ा काम हुआ, मैंने ग्रीन मॉल बनाया, मेरे को एक पेड़ के बारे में नहीं मालूम था 2005 साल में, मेरे को एक पेड़ के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन मन में एक डिज़ायर थी कि यहाँ पे हमारे पास इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन में एक पेड़ों का ऐसा काम किया जाए जो कि एक लेसन हो, पूरे इंडिया के लिए एक एग्जांपल हो। तो मैंने निश्चय किया कि मैं यहाँ पे एक ग्रीन मॉल बनाऊंगा, और ये ग्रीन मॉल बनाने के लिए मेरी जो डिज़ायर थी वो डिज़ायर मेरे को थाईलैंड लेके गई, अमेरिका लेके गई, ऑस्ट्रेलिया लेके गई, श्रीलंका लेके गई, वहाँ पे मैंने पेड़ों के बारे में सब समझा जाना और पाम्स के बारे में सब समझा जाना। तो कैसे था, बिकॉज देयर वाज अ डिज़ायर, एक्सपेक्टेंसी थी कि हमको एनवायरनमेंट की सेवा करना है। आज विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का सिनारियो है, बहुत खराब सिनारियो है, इसको ठीक करना है। तो अ बिलीफ था कि यस आई कैन डू इट, क्यों बिलीफ था, क्योंकि पहले भी मैंने इसको किया हुआ है, इसके पहले कई काम मैंने किए सिर्फ बिलीफ के ऊपर बेस करके किए। तो ये तीन चीज़ बहुत जरूरी है, डिज़ायर, एक्सपेक्टेंसी और बिलीफ। ओके सर, तो अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, आपकी पर्सनल, मतलब आप भी आजकल कुछ गोल सेटिंग करके ही तो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि अच्छा, किसी की हेल्प मिले। चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मेरे को एक इस तरह का बनाया है कि मेरे को हमेशा देश की सेवा, विश्व की सेवा, मानवता की सेवा करने का मेरे को मौका मिला है। क्योंकि जब मैंने 13 साल नौकरी के बाद अपना बिजनेस चालू किया, तो मैंने बिजनेस चालू किया यहाँ से एक्सपोर्ट्स का। उस समय हमारे देश को 80s में फॉरेन एक्सचेंज की बहुत आवश्यकता थी, हम लोग के पास तेल इम्पोर्ट करने का भी पैसा नहीं था। तो हमने देखा कि देश के लिए भी सबसे उपयुक्त है कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, तब मैंने एक्सपोर्ट का काम चालू किया। फिर 20 साल में क्या हो गया कि हम लोग के पास दुनिया भर का फॉरेन एक्सचेंज हो गया, हम लोग के यहाँ फ्री इंपोर्ट हो गया, चाइना से इंपोर्ट कर लो 10% इम्पोर्ट ड्यूटी दे करके, तो क्योंकि हम लोग के पास सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद मैंने देखा कि किस तरीके से मानवता की सेवा की जाए, तो मैंने देखा कि हम लोग के यहाँ दो चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो डीजनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो डीजनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप लोग सबको ही जानते हैं कि आज मनुष्य में मनुष्यता की कोई गुण नहीं है। और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तो मैंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए सोचा कि एक ग्रीन मॉल बनाना है। और उसके बाद ग्लोरीज ऑफ इंडिया में मेरा रिसर्च हुआ, तो मैंने सोचा ग्लोरीज ऑफ इंडिया के बारे में सारे देश के लोगों को बताऊं। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा कि ग्लोरीज ऑफ इंडिया बता करके तो होगा नहीं, देश के लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम लोग वापस से विश्व गुरु बने, हम लोग वापस से विश्व के एक नंबर देश बने। तो उसके लिए मेरा अभी गोल है
कि मैं जितना सहज भाषा में हूँ देश के लोगों को एम्पावर करूँगा। छोटे छोटे यंगस्टर्स जो आज बहुत हताश पड़े हुए हैं क्योंकि देश में नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हो रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये है वो है, ग्रेजुएशन करने के बाद पकौड़ी तलना पड़ेगा, तो लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन है, लोगों को एक डिप्रेशन है, लोगों को एक अनसर्टेनिटी है, फियर है, डाउट है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इस नेगेटिव एटमोसफेयर में लोगों को एक पॉजिटिव डोज देना है कि नहीं, अंधेरा नहीं हुआ है, हम लोग अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग विश्व गुरु थे, हम लोग कैपेबल हैं, कैपेबल थे और कैपेबल रहेंगे। तो ये मेरा अभी मैसेज है, यही मेरा गोल है कि मेरे को जो जीवन का अनुभव हुआ है, जो ये पर्सनल अचीवमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने स्टडीज़ किए हैं, वो सबको मैं जन जन से शेयर करूँ। मैं इसको कमर्शलाइज नहीं करना चाहता हूँ, तो सबके सब इसमें डेवलप हो, आप भी डेवलप हो, वो भी डेवलप हो, सबके सब डेवलप हो, ये मेरी अभी गोल है, यही मेरी लाइफ का अभी गोल है। तो सर आपने बोला कि गोल सेटिंग के लिए एक जन के अंदर एक्सपेक्टेंसी, डिजायर एंड बिलीफ तीनों चीज इम्पोर्टेंट है, तो मतलब कैसे आई एक्सपेक्टेंसी, बिलीफ और डिजायर एक मनुष्य के अंदर कैसे आई, मतलब यही समझाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, आप इतने गहरे क्वेश्चन करिएगा तब तो ठीक है। चलिए, ऐसा है कि डिजायर एक्सपेक्टेंसी बिलीफ कैसे आएगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सक्सेस और नॉट सक्सेस ये दोनों में फर्क क्या है। देखिए, सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, सहज में सक्सेस नहीं मिलेगा, हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, फोकसिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो इसमें जो गेन है और उसमें जो पेन है, अगर हम इन दोनों को एनालाइज करें, आज मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने ईमानदारी से बहुत मेहनत किया, लेकिन मेहनत करके आज मेरे को जो आनंद मिल रहा है जीवन का, जिसने मेहनत नहीं की, जो 8 बजे तक सोया, टीवी देखा, मूवीज देखा, गाने सुना, उसके कितने पेन है, उसको कितनी प्रॉब्लम है, डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, टेंशन है, फियर है, एंग्जाइटी है, मिसट्रस्ट है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन है। तो एक जो फेलियर होता है उसको हर तरह के प्रॉब्लम, उसके हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, सब तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमको अपना जीवन वर्थवाइल बनाना है। क्यों वर्थवाइल बनाना है? क्योंकि ये जीवन मेरे को ईश्वर ने एक सौगात दिया है, इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मी, एंड व्हाट वी मेक आउट ऑफ दिस इज माय गिफ्ट टू गॉड। तो मैं ईश्वर को क्या दूंगा, ईश्वर ने जो मेरे को जीवन दिया है उसके बदले मैं ईश्वर को क्या दे रहा हूँ। दूसरा कि जब मेरे को ये जीवन मिला है तो इट शुड बी वर्थवाइल। हम कीड़े मकौड़े जानवर की तरह से जिंदगी बिता दी है, ये क्या जिंदगी है? करोड़ों लोग जीते हैं, सवेरे सो करके उठते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे बड़े करते हैं, शादी करते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से देखिए तो व्हाट इज दैट लाइफ? तो आपकी लाइफ शुड बी मच मोर देन दैट। आपकी लाइफ एक गिवर की लाइफ होनी चाहिए कि आप समाज को कुछ दे रहे हैं, देश को कुछ दे रहे हैं, दुनिया को कुछ दे रहे हैं। आज हम लोग इतिहास में किसको जानते हैं, जितने भी लोगों को जानते हैं, विवेकानंद हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, सब कुछ देने वाले हैं, उनको उन्हीं को तो दुनिया याद करती है, उन्हीं को दुनिया अप्रिशिएट करती है, उन्हीं की वैल्यू है। तो अपने सोचें कि हमको देना है तो देने की लिमिट क्या है। देने की लिमिट है
मैं आपको बताता हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस फिर से सुनाता हूँ कि जब मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे को ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो मेरे सामने एक इक्वेशन आया कि कौन सा सबसे बढ़िया काम है या कर्म है मेरे लिए। तो मैंने यही चीज़ देखा कि ऐसी चीज़ जो दुनिया का फ़ायदा कर सके। तो दुनिया का फ़ायदा करने वाली तो बहुत सारी चीज़ है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कुछ बन सकता है। तो मैंने सब करके देखा कि अल्टीमेटली शेयरिंग ऑफ नॉलेज, दैट इज़ द बेस्ट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। तो मैंने उसी के ऊपर काम करते 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 ये सब किया। तो इस तरीके से हर कोई अलग अलग एरिया बना सकता है। पहले मैंने अपना छोटा एरिया बनाया। छोटा एरिया क्या बनाया कि आई शुड बी एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैंने मैं अपने को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकूं। फिर मैं अपनी छोटी फैमिली को ठीक से सपोर्ट कर सकूं, यानी कि मेरी वाइफ, बच्चे, उसके बाद बड़ी फैमिली को ठीक से सपोर्ट कर सकूं, यानी कि मेरे माता पिता, चाचा चाची। फिर उससे बड़ी फैमिली हुई हमारा समाज, उससे बड़ी फैमिली हुई हमारा गांव, उससे बड़ी फैमिली हुई हमारा शहर, प्रांत, देश, वर्ल्ड। तो हम लोग को अपना एरिया जितना बढ़ा सकें, क्योंकि भगवान ने हमको तो सब कुछ दिया है ना। आपको लगता है कि आपको भगवान ने किसी चीज़ से वंचित रखा है? अगर किसी को लगता है कि मेरे को भगवान ने इस चीज़ से वंचित रखा है, तो आप मेरे से संपर्क करें। ठीक है, हो सकता है कुछ एक ऑड केसेस हो सकते हैं जिसमें कोई मेंटल डिफेक्ट वाला कोई पैदा हुआ हो, डिफॉर्म्ड हुआ हो, वो सब एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। बाकी मैं तो यही बोलता हूँ, सक्सेस के लिए मेन रिसोर्स है टाइम एंड माइंड, और वो ईश्वर ने सबको बराबर बराबर दिया है। तो इस सब सोच करके एक ऐसा गोल तैयार करें जो हमारे लिए भी फ़ायदा हो, सबके लिए फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा हो। तो इस तरह का अपना एक गोल सेट करें। आई होप मैटर इज क्लियर। सर, मुझे तो समझ में आ गई और आशा करें कि दर्शकों को भी समझ में आ गया। तो व्यूअर्स, आशा करें कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे अपना गोल सेट करना है। तो अब आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को आप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।